परिवार ने भी किया बप्पा का विसर्जन। ऋतिक रोशन के घर से बप्पा की सवारी सबसे पहले उनकी नानी के घर पहुंची और फिर एक साथ नानी और उनके गणपति की सवारी निकली। ऋतिक रोशन के घर से गणपति निकलकर उनके नानी के घर पर आए और जैसा कि हम देख सकते हैं काफी धूमधाम तरीके से यहाँ गणपति विसर्जन की तैयारी हो रही है। ऋतिक की फिल्म आखिरी बंद का गणपति का जो सबसे फेमस गाना है वो यहाँ पर चल रहा है। ऋतिक रोशन हर साल बप्पा की जमकर सेवा करते हैं और फिर बीच तक बप्पा का विसर्जन करने खुद जाते हैं। साल की तरह इस साल भी बहुत मजा आ रहा है, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में है, हमेशा मजा आता है। ऋतिक रोशन अपने पूरे परिवार के साथ बप्पा के साथ साथ चले। ऋतिक के साथ इस साल उनके दोनों बेटे भी थे। इस साल ऋतिक की फिल्म क्रिश 3 आ रही है और ऋतिक बप्पा से अपनी फिल्म के लिए भी कामना कर रहे हैं। मनोकामना तो यही है कि चले पिक्चर, मैंने बहुत की है पिक्चर में, आप देखेंगे आप मुझे बताएंगे। राकेश रोशन भी बप्पा से करते हैं बहुत प्यार। मैंने सबके लिए अच्छी मन्नत मांगी है कि सबको खुशी दे, सबको प्यार दे, सबको सुख दे। आप किस तरह का माहौल घर में रहता है, डेढ़ दिन के गणपति जब आते हैं किस तरह से पूरा परिवार? अच्छा माहौल रहता है, बड़ा शांत माहौल रहता है और उसी तरह से हम प्रे करते हैं।